हेलो फ्रेंड्स, चलो आज आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक ग्रोसर यानी बनिए की, जो अपने बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल था, जिसके पास एक अच्छा सा ग्रोसरी शॉप भी था। वो काफ़ी खुश था, होना भी चाहिए यार, जिसका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा हो वो भला दुखी क्यों होगा। उसके सारे कस्टमर्स उसकी सर्विस से काफ़ी खुश थे और अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए वो उसी के शॉप में आया करते थे। एक दिन बराबर उसके दुकान के सामने एक बहुत बड़ा ग्रोसरी शॉप बन गया। बनिए ने सोचा अब तो अपना बिजनेस गया। वो बहुत परेशान था। एक दिन वो अपने गुरु के पास पहुंचा और उसने उन्हें सब कुछ बताया और कहा कि ये हमारा फैमिली बिजनेस 100 साल पुराना है, अगर ये बंद हो गया तो मैं कुछ और कर नहीं पाऊंगा, मुझे दूसरा कुछ आता ही नहीं है। फिर उसके गुरु ने कहा, अगर तुम उस बनिए से डरोगे तो उसे हमेशा से नफरत करोगे और यही नफरत तुम्हारे धंधे को डुबाएगी। बनिए ने फिर पूछा कि मुझे क्या करना होगा। तब गुरु ने कहा, रोज सुबह अपने दुकान के बाहर खड़े होकर प्रार्थना करो ताकि तुम्हारा बिजनेस बढ़े। उसके बाद उस दूसरे बनिए की दुकान की तरफ मुंह करके उसके लिए भी प्रार्थना करो। लो कर लो बात। ये सुनकर बनिए ने आश्चर्य से कहा, क्या मेरे प्रतिस्पर्धी के लिए प्रार्थना करूं जो मेरा धंधा डुबाने वाला है? तब गुरु ने कहा, जो प्रार्थना जो आशीर्वाद तुम दोगे वो तुम्हारे पास ही वापस आएंगे। गुरु की बात मानकर बनिया वापस लौटा। एक साल बाद फिर बनिया गुरु के पास पहुंचा उन्हें ये बताने के लिए कि उसे उसकी दुकान बंद करनी पड़ी। अब आप सोचोगे, मैं भी उस बनिए को अपनी दुकान उस दूसरे बनिए के वजह से बंद करनी पड़ी होगी, तो ये बिल्कुल गलत है। हुआ यूं कि वो बनिया हर रोज जैसे गुरु ने बताया था वैसे दूसरे बनिए को ब्लेसिंग्स दिए जा रहा था, तो उसके मन में उस बनिए के लिए बिल्कुल नफरत नहीं थी। इसीलिए थोड़े ही दिनों बाद वो अच्छे दोस्त बन गए। उनकी यही दोस्ती आगे पार्टनरशिप में बदल गई। बनिए को बिजनेस चलाने का काफ़ी सालों से एक्सपीरियंस था, वो ये नई दुकान भी अच्छे से चला पाता था। एक साल बाद वो दूसरा बनिया अपने सारे अधिकार उस बनिए को देकर दुकान छोड़कर चला गया। इसीलिए उस बनिए को अपना पुराना दुकान बंद करना पड़ा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? देखिए, हम जितने भी लोग इस यूनिवर्स में हैं, हम सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये एक फैक्ट है जो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। हमारे जो थॉट्स हैं, उनमें इतनी ताकत होती है कि वो मीलों दूर जा सकते हैं। जो फीलिंग्स हम एक्सपीरियंस करते हैं वो पूरे यूनिवर्स में अपने आप ही पहुँच जाती है। जब हम किसी दूसरे इंसान के बारे में कुछ अच्छा या बुरा सोचते हैं तो वो सारे थॉट्स अनकॉन्शियसली उस इंसान के पास पहुंच ही जाते हैं। आपने एक बात तो सुनी होगी कि जो बोया है वही पाओगे। इट मीन्स अगर दूसरों के बारे में कुछ बुरा सोचोगे तो इन रिटर्न बुरा ही पाओगे। हमारी कहानी के बनिए ने दूसरे बनिए के बारे में अच्छा सोचा तो उसे अच्छा रिटर्न मिला। तो अगर किसी को कुछ देना चाहते हो तो ब्लेसिंग्स दो जो वापस आपके पास ही आने हैं। थैंक यू। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।